बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम लोगों ने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स की बात की और ऑपरेंड्स की बात की, जिसमें से हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को देखा। ठीक है, उसमें बेसिकली हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा था कि जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो आपको कौन कौन से ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर आपने और चीज़ें देखी कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं तो क्या सिनेरियो होता है, उसके लिए सिंटेक्स क्या है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम कब अप्लाई करते हैं। और इसी तरह हम लोगों ने ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप में से एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी पढ़ा था। आज बेसिकली हमने उसी ऑपरेटर को डिटेल में देखना है कि आखिरकार इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीज करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन टाइम इंक्रीज करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। इसको हम प्लस प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये रहा आपका प्लस प्लस का सिंबल, यूज़ करते हैं हम लोग इंक्रीमेंट करने के लिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू वन टाइम। अगर हम इंक्रीज करें तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम वन प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद अ सिंगल वेरिएबल। ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि अकेला सिंगल ऑपरेंड के साथ आता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसके ऑपरेंड की क्वांटिटी वन हो। आप जितने भी ऑपरेटर्स की बात करते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें होता क्या है, आपके पास दो ऑपरेंड्स के दरमियान में एक साइन होता है, दो ऑपरेंड्स के दरमियान में एक ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें आपका ऑपरेटर भी एक होता है और ऑपरेंड भी एक होता है। ठीक है, तो जब आपका एक ऑपरेंड हो उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, या फिर ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए जस्ट वन ऑपरेंड ज़रूरी हो। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं और ये वर्क करता है विद सिंगल वेरिएबल से। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस प्लस
एक्स प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट्स बट टेन प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। जैसे कि आपके पास ए प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस ये वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके कांस्टेंट या एक्सप्रेशंस की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करती, इसीलिए टेन प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस प्लस और प्लस प्लस ए प्लस बी और ऑल्सो इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं और हमने बात की कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक्सप्रेशंस या कॉन्स्टेंट्स किस के लिए ऑपरेट नहीं करता, दैट इज़ वाई इट इज़ इनवैलिड। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। इसको हम दो फॉर्म्स की तरह डील कर सकते हैं। फर्स्ट वन, फॉर्म नंबर वन प्रीफिक्स फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म, एंड फॉर्म नंबर टू पोस्टफिक्स फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म को हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म और दूसरी को कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। बात करते हैं हम लोग प्रीफिक्स फॉर्म की। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम वेरिएबल से पहले लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास वेरिएबल वाई है, अब आपने इस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, तो वाई से पहले आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो वेरिएबल से पहले जो आएगा उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। द अबव टू लाइन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई बाय वन। जो ऊपर वाली लाइन है ये अब क्या करेगा, ये वाई की वैल्यू को वन टाइम या बाय वन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप जिस भी वेरिएबल के साथ लगाएंगे, उस वेरिएबल के साथ जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाएगा तो वो वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा। पहले लिखे जाने की वजह से हम इसको प्रीफिक्स फॉर्म कहते हैं। और इंक्रीमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू बाय वन इंक्रीज कर देती है। उसके बाद आपके पास फॉर्म नंबर टू आती है, जिसमें देखा इन पोस्ट फिक्स फॉर्म, इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज। पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वेरिएबल वाई है,
जब आपने इस वाई के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना है तो इस वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा। द अबव लाइन ऑल्सो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई बाय वन। इसमें भी क्या होगा कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बाय वन इंक्रीज हो जाएगी। पोस्टफिक्स में क्या होता है, जो आपका वेरिएबल जिसकी आप जिसको जिसकी वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट करना है या जिसके ऊपर आपने इंक्रीमेंट लगाना है, उस वेरिएबल को जब आप लिखते हैं तो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर आप उस वेरिएबल के बाद लिखते हैं। इस वजह से इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं, पोस्ट फिक्स फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। ये ऐसा ऑपरेटर है कि जब हमने वेरिएबल की वैल्यू बाय वन बढ़ानी हो तो हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम प्लस प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसको ऑपरेट होने के लिए जस्ट वन ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। और ये वर्क करता है फॉर सिंगल वेरिएबल्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशंस के लिए काम नहीं करता, ये जस्ट वेरिएबल्स के लिए काम करता है। किसी भी कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के लिए जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए वर्क करेगा, लेकिन जब आपके पास आ जाता है 10++, तो ये स्टेटमेंट में आपके पास आ गया है कांस्टेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस स्टेटमेंट के लिए इनवैलिड हो जाएगा और इसके लिए वर्क नहीं करेगा। इसी तरह ए प्लस बी इंक्रीमेंट और प्लस प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इनवैलिड, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी एक्सप्रेशन है जिसको हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, और ए प्लस बी भी एक्सप्रेशन है जिसका इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशंस दोनों के लिए ही वर्क नहीं करेगा, दोनों को ही इंक्रीमेंट नहीं करवाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की टू टाइप्स हैं, जिसमें से हमने पहली टाइप पढ़ी प्रीफिक्स फॉर्म, जिसमें होता क्या है कि जब कोई भी वेरिएबल जिसका हमने इंक्रीमेंट करवाना है, जिसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, उस वेरिएबल से पहले जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे प्री फिक्स। प्री यानी पहले। फॉर एग्जांपल, जब आपने वेरिएबल लिया वाई, वाई के साथ आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया उससे पहले, तो जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल से पहले लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स फॉर्म। और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये आपके वेरिएबल
की वैल्यू को बाय वन या वन टाइम इंक्रीज कर देगी। क्लियर। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म आती है, दैट इज पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वेरिएबल आप यूज़ करते हैं उस वेरिएबल के बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाएंगे या वेरिएबल के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, जब आप वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल के बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वेरिएबल के बाद आने की वजह से इसका नाम है पोस्ट फिक्स। पोस्ट मतलब बाद में आने वाला, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। इस वजह से हम इस फॉर्म को पोस्ट फिक्स फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल जब लिखते हैं और वेरिएबल पे जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन वेरिएबल के लिखने के बाद लिखा जाता है। और इसी में भी सेम वही केस होता है कि जो भी आपकी वेरिएबल होती है, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू बाय वन यानी वन टाइम इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये था आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, उसको किस सिंबल से शो करते हैं और उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, जिसमें से एक फॉर्म प्रीफिक्स, जिसको हमने इसकी एग्जांपल देखी, जब वेरिएबल यूज़ करते हैं वेरिएबल से पहले आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें, दैट इज़ प्रीफिक्स फॉर्म। और जब आप वेरिएबल यूज़ करें और वेरिएबल के बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें, दैट इज़ पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब हमने इन दोनों के डिफरेंस की बात करनी है। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अकेला अकेला यूज़ किया जाएगा या इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जाएगा, तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों ही फॉर्म्स सेम वर्क करेंगी, सेम बिहेवियर को शो करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए, ए इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ए इज सेम। जैसे कि अगर आप कर लें ए का इंक्रीमेंट करें या इंक्रीमेंट करने के बाद ए लिखें, तो इन दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करेंगे तो इसमें प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म सेम बिहेवियर शो करेगी, वर्क सिमिलरली। फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इन दोनों के रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, लेकिन जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को लार्जर एक्सप्रेशंस में दूसरे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ किया जाएगा, तब क्या होगा, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स वर्क डिफरेंटली। फिर क्या होता है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म दोनों ही डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म या शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी प्लस प्लस आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिजल्ट चेंज होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ एक और ऑपरेटर यूज हो रहा है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट इज वाई द यूज विद द यूज ऑफ अनदर ऑपरेटर बोथ प्रीफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स बिहेव्स differently, works differently. increment operator independently जब हम use करें तो prefix का और postfix का दोनों का word क्या होगा? same होगा, दोनों ही same तरह से काम करेंगे. लेकिन जब हम दोनों ऑपरेटर्स को किसी और या दूसरे ऑपरेटर्स के साथ मिला के काम करें तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. जब हम उनको इंडिपेंडेंटली काम कराएं तो बिहेवियर या वर्क सिमिलरली होगा. यानी कि ए का प्लस प्लस करें या प्लस प्लस ए करें, दोनों के रिजल्ट्स सेम होंगे. इसी तरह जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दूसरे ऑपरेटर्स के साथ मिला के यूज़ करेंगे तो काम डिफरेंट होगा, प्रीफिक्स का भी पोस्टफिक्स का भी. फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी का रिजल्ट ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस से डिफरेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर इन दोनों एग्जांपल्स में इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है. दैट इज़ वाई विद द यूज़ ऑफ अनदर ऑपरेटर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स बोथ विल बिहेव डिफरेंटली. द स्टेटमेंट ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस बी हैज़ टू ऑपरेटर्स plus plus and equals to. It works in the following order. It increments the value of b by 1. It assigns the value of b to a. For example, aapke paas example thi a equals to plus plus b. इसमें आपके पास एक टाइम पे दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक हो रहा है प्लस प्लस का, एक हो रहा है इक्वल्स टू का. होगा क्या कि दोनों ऑपरेटर्स की वजह से इनकी फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट होगा. सबसे पहले क्या होगा, पहले बी की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 होगी, वेरिएबल बी की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 होगी. सेकेंडली क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो फिर ए को असाइन होगी. अगेन सुनिएगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके पास इस एग्जांपल में ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी है, इसमें दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है प्लस प्लस का, एक हो रहा है इक्वल्स टू का. होगा क्या कि जब ये वर्क करेंगे तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले बी से पहले इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले बी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी बाय 1. बी में होगा सबसे पहले इंक्रीमेंट, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इंक्रीमेंट बी का, जो भी रिजल्ट आएगा वो ए को असाइन हो जाएगा. इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय 1, फर्स्ट स्टेप में ये होगा. इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, सेकंड स्टेप में जो इंक्रीमेंट होने के बाद रिजल्ट आएगा
वो ए को असाइन हो जाएगा। द अबव स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी। पहले बी का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए इंक्रीमेंट बी, यानी कि बी का प्रीफिक्स फॉर्म। उसके बाद असाइनमेंट हो रही है, तो जो भी रिजल्ट आएगा बी का वो ए को असाइन हो रहा है। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले बी का इंक्रीमेंट, उसके बाद असाइन टू ए। फिर बात आती है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल की, पोस्ट फिक्स की। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द स्टेटमेंट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस प्लस वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो आपकी एग्जाम्पल है ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस, इसमें भी दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। एक यूज हो रहा है आपके पास इक्वल्स टू का साइन, एक यूज हो रहा है आपके पास प्लस प्लस का साइन। होगा क्या कि सबसे पहले बी की वैल्यू असाइन होगी ए को। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए। पहले स्टेप में वैल्यू असाइन होगी, बी की वैल्यू असाइन होगी ए को। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय वन। सेकेंड स्टेप में जो बी की वैल्यू है वो बाय वन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, असाइनमेंट, और सेकेंड स्टेप में इंक्रीमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम दूसरी फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। पहले ए की वैल्यू बी को असाइन हो रही है, सॉरी बी की वैल्यू ए को असाइन हो रही है, ए इक्वल्स टू बी, और उसके बाद बी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है बी प्लस प्लस। तो बेसिकली ये था डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। होता क्या है कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं तो दोनों सेम बिहेव करते हैं, प्रीफिक्स भी और पोस्टफिक्स फॉर्म भी, इनका वर्क सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए, इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। हालांकि एक आपके पास पोस्टफिक्स है फॉर्म और एक आपके पास प्रीफिक्स फॉर्म है, और इसी तरह। लेकिन जब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर्स के साथ किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो उनकी वर्किंग चेंज हो जाती है, तो दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं। कुछ इस तरह कि जब ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी हो और ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस हो, दोनों के बिहेवियर्स चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अलावा आपके पास एक और ऑपरेटर यूज हो रहा है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब होगा क्या, जब आप फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, ए इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास बी की वैल्यू इंक्रीज बाय वन होगी। सेकंड स्टेप में जो भी आंसर आएगा वो ए को असाइन होगा। पहले स्टेप में इंक्रीमेंट होगा, आंसर आने के बाद ए को असाइन होगा। और अगर हम इसी को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे टू स्टेटमेंट्स में, तो सबसे पहले बी का इंक्रीमेंट होगा प्रीफिक्स, आफ्टर इट ए को वैल्यू असाइन होगी,
और फिर जब हम बात करते हैं पोस्ट फिक्स की, तो पोस्ट फिक्स में ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस, इसका बिहेवियर चेंज होगा। इसमें सबसे पहले बी की वैल्यू ए को असाइन होगी और उसके बाद बी के अंदर इंक्रीमेंट होगा। इसको एग्जांपल में देखें, यानी कि स्टेटमेंट्स की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो पहले आपके पास बी की वैल्यू ए को असाइन होगी, बी की वैल्यू ए को असाइन होगी, उसके बाद बी के अंदर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, चलें जी, अब हम ना इसकी ना एग्जांपल्स देखते हैं कोडिंग में। कोडिंग के लिहाज से अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल को। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main का फंक्शन स्टार्ट बॉडी। हम क्या करते हैं, हम इंट फॉर्म में कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए बी एक्स वाई। स्क्रीन को क्लियर करवाएं। उसके बाद हम ना क्या करते हैं कि ए को बी की जगह, फिर सी सॉरी एक्स, फिर वाई, इन सब को इक्वल्स टू ज़ीरो करवा देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इंट टाइप की मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए और क्या किया, इन वेरिएबल्स को इक्वल्स टू ज़ीरो रखवा दिया। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, पहले मैं करती हूँ ए के अंदर इंक्रीमेंट। ए के अंदर जब मैं इंक्रीमेंट करूँगी तब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ था ज़ीरो, जब ए के अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ था तो ए के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी, बल्कि आउटपुट को बाद में रखते हैं, पहले स्टेटमेंट पूरी करते हैं। एक मैं करवाती हूँ ए के अंदर इंक्रीमेंट, फिर मैं करवाती हूँ बी को ए के इक्वल, फिर मैं प्रीफिक्स करवाती हूँ एक्स को और वाई के अंदर रखवाती हूँ एक्स, और उसके बाद मैं स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट एफ के स्टेटमेंट सेकंड के लिए, और इसी के साथ आप गेट करेक्टर एंड आपका प्रॉब्लम खत्म। चलें जी, मेन अब हमारे पास ठीक है, आपने लिए कुछ वेरिएबल्स, अब उन वेरिएबल्स को आपने लिया है इंट टाइप का। होगा क्या, आपने इंट टाइप के वेरिएबल्स लिए, उसके अंदर आपने रखवा दिए सबकी वैल्यूज़ को इक्वल्स टू ज़ीरो करवा दिया। ठीक है, ज़ीरो करवाने के बाद क्या किया, आपने ए के अंदर इंक्रीमेंट किया, ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी पहले से,
जीरो। अब ए के अंदर जब आपके पास जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपकी वैल्यू शो होगी ए की, तो ए के अंदर सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट। आपका आउटपुट ए शो होगा इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। फिर आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट में उसने करवा रहे हैं बी को भी प्रिंट, नेक्स्ट लाइन में जाके बी को भी प्रिंट करवा रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद वाई को। ठीक है, अगली लाइन। ए का तो हम आपको समझ आ गया, अब आती है बी की बारी। बी को क्या किया है, ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी है। ए को इंक्रीमेंट करवाने के बाद आपके पास आया था रिजल्ट 1। अब ये 1 वैल्यू ए के अंदर है, अब ए की 1 वैल्यू बी को क्या कर दी है, असाइन कर दी है। इसका मतलब बी के अंदर क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1। चलें, जब नेक्स्ट आ गया एक्स, एक्स में आपके पास क्या था, 0। यहाँ पे भी बी के अंदर आपके पास क्या पड़ा होता है, 0, और ए की वैल्यू फिर इसके बाद बी को असाइन हुई है। यहाँ पे एक्स के पास क्या, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ आपके पास, 0। अब ये 0 क्या किया, एक्स क्या हो गया, एक्स इंक्रीमेंट हुआ, 0 था, एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसी है, पहले एक्स की वैल्यू शो होगी उसके बाद वाई की शो होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 1 की, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद क्या किया कि जब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आपके पास यहाँ पर आ गया 1। अब एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ, 1, ये वैल्यू आपने किसको साइन कर दी, वाई को, तो वाई के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये देखिएगा, जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अलोनली या इंडिपेंडेंटली डील करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम। यहाँ पे तो आपके पास पोस्ट फिक्स, यहाँ पे तो आपके पास प्री फिक्स, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स क्या हुए, सेम हुए। दोनों के रिजल्ट्स में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों के रिजल्ट्स सेम है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग ना एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो है प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, लिखते स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। हैश इंक्लूड कोहनी डॉट एच वॉइड मेन। उसके बाद अब मैं लेती हूँ सिमिलरली वही वेरिएबल्स मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इंट टाइप के, मेरे पास ए बी एक्स वाई, क्लियर स्क्रीन करवाया और सबको किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल, सबके अंदर 0 की वैल्यू रखवा लिया ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू इसके अंदर ना आए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक्सप्रेशन यूज करती हूँ। मैं करती हूँ बी इज इक्वल्स टू ए का इंक्रीमेंट और वाई इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट एक्स। अब मैं साथ साथ इनको शो करवाती हूँ सेम प्रिंट एफ के स्टेटमेंट के साथ जो मैंने पहले यूज़ की थी। प्रिंट एफ, पहले ए शो होगा मेरे पास, फिर अगली लाइन आएगी, फिर मेरे पास बी शो होगा, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास ए और बी की वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद मैं एक्स वाई के लिए करवा लेती हूँ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट शो। एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट लाइन वाई आएगा, वाई की वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट लाइन इधर आ गया आपके पास एक्स एंड वाई। गेट करेक्टर एंड प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे रहा आपके पास आउटपुट। अब होगा क्या, सबसे पहले आपके पास आएगा शो ए, फिर आएगा बी सी एंड डी। होगा क्या, सबसे पहले आपके पास है ए की वैल्यू के अंदर 0। इधर देखा आपने बी इज इक्वल्स टू ए का इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू बी को असाइन होगी, ए की वैल्यू पहले क्या होगी, बी को असाइन होगी,
बाद में ए की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। या कि पोस्ट फिक्स की बात थी, तो क्या होगा कि पहले ए की वैल्यू बी को असाइन होगी, ए के अंदर 0 पड़ा हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस, वो वैल्यू बी को असाइन होगी और ए के अंदर 0 से बढ़ के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए के अंदर वैल्यू बाय 1 इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या शो होगी, 1। और ए के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था इंक्रीमेंट से पहले, 0, क्योंकि इधर पहले क्या होगी असाइनमेंट और बाद में इंक्रीमेंट। और ए के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था, 0, 0 वैल्यू इसको असाइन होगी बी को, और बी के अंदर क्या रह गया था, 0। क्लियर? पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है। इधर पहली वैल्यू असाइन हो रही है, पहले ए के अंदर था 0, ये 0 आ गया बी के पास, बी ने 0 शो कर दिया। ए की बात करते हैं, ए के अंदर था 0 लेकिन बाद में इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, इसका मतलब वो बढ़ के वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1, इसलिए ए के अंदर क्या शो हो गया, 1। क्लियर? अगली बात करते हैं वाई की वैल्यू। वाई में पहले क्या होगा, पहले होगा एक्स के अंदर इंक्रीमेंट और बाद में होगी वाई को वैल्यू असाइन। तो एक्स के अंदर क्या पड़ा होता है आपके पास, 0, इंक्रीमेंट होने के बाद आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1। तो एक्स, सॉरी यहाँ पे आता है एक्स और वाई, तो एक्स के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 0, और इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू होती है 1। और जब आप वाई की बात करते हैं तो वैल्यू इसको असाइन हो गई है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 हो गई, 1 वैल्यू वाई को असाइन, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये केस था आपके पास एक्सप्रेशन फॉर्म में। अब आप देखें कि दोनों की बिहेवियर फंक्शनैलिटी की वजह से रिजल्ट्स डिफरेंट आए हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल भी यूज़ हो रहा है। सो दिस वाज आवर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर टॉपिक, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। कैन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।